अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं रिग प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट, और इसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन का। बहुत अहम टॉपिक है इसका, IADC रिग पास का, और ऑफशोर रिग के ऊपर कैसे वर्कर्स को पहुंचाया जाता है, उसके क्या क्या मेथड हैं, बोट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। लेकिन आज के टॉपिक में हम डिस्कस जो करेंगे वो रिग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरह के हैजर्ड्स होते हैं, और किस तरह से अराइवल एट शोर बेस होता है, और उसके अलावा हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है एक ऑफ शोर रिग के ऊपर, ये हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि रिग प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट, ये रिग है क्या चीज। बेसिकली रिग बोला जाता है, आम आम इस्तलाह में आकर बात करें, आम मफहूम की बात करें, तो एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर चेन्स हैं, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल पोल्स हैं, इस तरह की जितनी चीजें होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे रिग प्लेटफॉर्म का बेसिकली काम यही है कि यहाँ पे आपकी क्रेन्स हैं, चेन्स हैं, आपके पाइप्स हैं, और इस तरह ये स्ट्रक्चर जो है ये रिग कहलाता है। तो क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं आइलैंड गैस, तो इसलिए इसको आइलैंड गैस रिग बोला जाता है। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेटफॉर्म है। तो ऑफशोर रिग जो होगा वो बेसिकली क्या है कि समुंदर में, पानियों में, जब पानी में जब आप कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह का, तो उसको हम फिर रिग बोलेंगे। अब रिग इन्वायरमेंट या रिग प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, अगर हम हैजर्ड्स ऑन रिग की बात करें तो ये सेम है जो हम पहले काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें एक्सप्लोजन के धमाके होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वहां पे ऑयल एंड गैस मौजूद है, तो इस सूरत में वहां पे जो है वो धमाका लाजमी बात है कि होंगे, टॉक्सिक गैसेस होंगी, जहरीली गैसें होती हैं वहां पे, जैसे H2S वगैरह, ड्राउनिंग। अब जाहिर बात है डूबने का खदशा है कि अगर कोई बंदा स्लिप होके आ गया समुंदर में, फिजिकल रिस्क है, फिजिकल रिस्क में ट्रिप हैजर्ड है, स्लिप हैजर्ड है ऑयल की वजह से, और फॉलिंग ऑन द सेम लेवल है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट है, तो इस तरह की चीजें मौजूद हैं। डाइविंग रिस्क है कि कूदना पड़ेगा आग लगने की सूरत में, या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है समुद्र में कूदना पड़े। एविएशन रिस्क है, एविएशन रिस्क किस तरह से है कि जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने वर्कर्स को हेलीपैड इन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे जो है वर्कर्स को लाते और ले जाते हैं। उसके अलावा वेदर रिस्क हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा समुद्री तूफान आ जाए, समुद्री तूफान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी रिग के लिए, और इसी तरह के एडवर्स वेदर की सूरत में आपको वेदर रिस्क का सामना करना पड़ेगा किसी भी रिग के ऊपर। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहली चीज आती है अराइवल एट शोर बेस, कि जो वो शोर आपने बनाया उसकी बेस तक आपने पहुंचना, ये आगे डिस्कस करते हैं। फिर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, बोट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, स्विंग रोप्स कैसे काम करेंगी, पर्सनल बास्केट्स कैसे काम करेंगी, ट्रांसफर डिवाइसेस जिसमें बंदों को डाल के दें भाई, अराइवल एट द रिग वर्क साइट कैसे होगा। अब इसमें सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एट अराइवल एट शोर बेस, कि क्या है, कैसे है, हैजर्ड क्या है, और कैसे कंट्रोल में ये रहा है। और दूसरी चीज हम इसके अंदर आज देखेंगे हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन। अराइवल एट शोर बेस, ऑयल एंड गैस कंपनीज गो टू ग्रेट लेंथ्स टू मेक ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर देयर वर्कर्स। अब वो क्या है कि जितनी भी ऑयल एंड गैस कंपनी होती हैं वो अपने वर्कर्स के लिए बड़ी बड़ी, मतलब आप ये समझे कि बड़ा डीपली अरेंजमेंट करती है, बड़ा मुनासिब, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करती है इस हवाले से कि किस तरह उसने अपने वर्कर्स को ऑफशोर जो रिग हैं उन तक पहुंचाना है। मैनी ऑफ देयर वर्क साइट्स आर इन रिमोट एरियाज, अंडरस्टूड है, ज्यादातर आपकी ये जितनी भी रिग लगे होते हैं ये रिमोट एरियाज में होते हैं। दे प्रोवाइड वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हाउ टू अराइव एट अ श्योर बेस्ड फैसिलिटी, के मतलब आप वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है कि किस तरह से वर्कर को उन्होंने श्योर बेस्ड फैसिलिटी तक पहुंचाना है। अब ये रिग प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट पे अराइवल है, अराइवल आप देख सकते हैं ये हेलीपैड है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर आया है। अब इसमें क्या है कि तमाम तर वर्कर्स को, आप ये देखें
कितना बड़ा रिग होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिग ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना बड़ा होगा कि उसके ऊपर बाकायदा एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर के लिए आपका हेलीपैड भी बना हुआ है। ये जी अराइवल है, ये आपका सेफ अराइवल है कि आप उसकी बेस पे पहुंच गए। ये क्या है, ये आपकी शोर बेस है। अब आप शोर बेस पे पहुंच चुके हैं। किसकी मदद से? आपके ट्रांसपोर्टेशन मेथड था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन। द पायलट इज इन टोटल कमांड ऑफ द हेलीकॉप्टर एंड विल मेक द डिसीजन कंसर्निंग द फ्लाइट। अब जहाज मौसम कैसा है, एयर प्रेशर क्या है, आया जिस जगह पे रिग लगा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए मौसमी हालात ठीक हैं, या कितने लोगों को एक फ्लाइट में एक बार में लेके जाना है, तो ये तमाम तर डिसीजन लेगा पायलट। और पायलट इन चीजों का मुकम्मल तौर पर उसके पास डिसीजन का इख्तियार है। पैसेंजर्स शुड रिपोर्ट टू द चेक इन स्टेशन अर्ली एज पर्सनल एंड देयर बैगेज आर सब्जेक्ट टू वेइंग एंड अदर सिक्योरिटी मेजर। अब क्या है जी कि पैसेंजर्स जो है वो चेक इन करवाएंगे जल्दी स्टेशन पे, ताकि उसके अंदर क्या है कि वो जो इतने भी मुलाजमीन होंगे उनके बैग कितना होना चाहिए, उनका वेट कितना होगा, और दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये वही पैसेंजर हैं जो जो आपकी रिक के ऊपर काम कर का रहे हैं? आया कोई ऐसा अनऑथराइज पर्सन तो इनमें नहीं घुस आया जिसका मकसद ही जाके रिक के ऊपर कोई तखरीबकारी करना या अनसेफ एक्ट्स परफॉर्म करके रिक को नुकसान पहुंचाना है? तो ऐसी सूरत में वो चेक इन के लिए प्रॉपर वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो आप किसी भी फ्लाइट लेते हुए करते हैं, कि पर्सनल को जांचा जाएगा आया ये वही लोग हैं जिनको हमने रिक पे पहुंचाना है, तो ये हमारे जो कंपनी है या जो हमारे वर्कर्स हैं ये उन्हीं में से हैं, कहीं कोई आपका अनऑथराइज पर्सन तो नहीं इसमें मौजूद। फिर उसके बाद पैसेंजर्स शुड रिसीव अ प्री फ्लाइट ओरिएंटेशन एंड बी इंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर बिफोर बोर्डिंग। अच्छा जी, बोर्डिंग से पहले पैसेंजर को बकायदा प्री फ्लाइट, फ्लाइट से पहले तमाम तरह ओरिएंटेशन दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपने कैसे उसमें बैठने से लेके उतरने तक कैसे बिहेव करना है, या इवन कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ऐसी सूरत में पैराशूट्स का इस्तेमाल कैसे होगा, या इस तरह से कोई भी हर तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है फ्लाइट से पहले। पर्सनल शुड फेमिलराइज देमसेल्व विद एग्जिट रूट फॉर ईच पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर एज वेल एज एमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर। वही बात आ गई, एमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर में क्या होगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर के किस नोयत का हेलीकॉप्टर यूज हो रहा है, किस नोयत के, आपको पता है इनके भी डिफरेंट आपके मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट ये अपनी वर्किंग वैसे इनकी कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट है, तो वो उसको देखते हुए कि प्री फ्लाइट में इसीलिए बताया जाता है कि आज या इस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर यूज करके आपको बेस पे सेफली पहुंचाया जा रहा है, उस वर्क प्लेस के ऊपर पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें अगर एमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा तो इसका स्पेसिफिक एमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर क्या है। बेशक आप इससे पहले बीसियों दफा हेलीकॉप्टर के जरिए शोर साइट पे, शोर बेस पे पहुंचे हों। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी पोटेंशियल हैजर्डस मटेरियल ऑन द हेलीकॉप्टर शुड बी रिपोर्टेड टू द डिस्पैचर आर पायलट। आप जी ये देख लें कि कोई भी ऐसा हैजर्डस मटेरियल है जो आप हेलीकॉप्टर में कैरी करेंगे तो आप पायलट को या डिस्पैचर को लाजमी बताएंगे कि भाई ये हम कैरी कर रहे हैं, बताओ कि इसको ले जाने के लिए अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड हैं, कहीं वाइब्रेशन की वजह से, कहीं हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, तो इसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस ओरिएंटेशन लेंगे और उसके बाद जाके हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ेगा। बैगेज शुड बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द पायलट इंस्ट्रक्शन। बैगेज को उसी तरह आपने स्टोर करना जैसे पायलट ने बताया। पैसेंजर्स शुड होल्ड ऑल लाइट वेट आर्टिकल सच एज रेन कोट्स एंड हैट्स फर्मली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बींग स्ट्रक इन टू रोटर ब्लेड। मतलब क्या है कि देखें उतरते हुए या चढ़ते हुए ऐसा ना हो कि जो आपका ये जो रोटर ब्लेड्स होता है, ये जो ऊपर जिसको आप लोग आम जुबान में पंखा बोलते हैं, इसको रोटर ब्लेड्स बोलते हैं, ऐसा ना हो कि उसने कोट पहने हुए हैं। आपको पता है काफी सारे रिग आपकी कोल्ड प्लेसेस में होती है, तो ऐसा ना हो कि कोई कोई भी ऐसी क्लॉदिंग की हुई है, कोई भी रेन कोट्स हैं या हैट्स हैं, ऐसा हरगिज ना हो कि रोटर के ब्लेड्स में वो आ जाए, रोटर ब्लेड्स प्रॉब्लम कर जाए और इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। पर्सनल शुड नॉट रिमेन इन द वेसिनिटी ऑफ द हेली डेक एरिया ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ। अंडरस्टूड बात है कि जो हेली डेक है ना, जो हेलीपैड भी बोलते हैं, हेली डेक के एरिया में
जब हेलीपैड से हेलीडेक से हेलीकॉप्टर ने उड़ना है या लैंड करना है, टेक ऑफ करना है या लैंडिंग करनी है, तो दोनों सूरतों में उसमें ऑथराइज या अनऑथराइज कोई बंदा भी खड़ा नहीं होना चाहिए। वो एरिया क्लियर रहेगा जब तक कि लैंडिंग प्रॉपर ना हो जाए या टेक ऑफ प्रॉपर ना हो जाए। ऑल पर्सनल शुड रिमेन इन द डेजिनेटेड एरिया अंटिल द पायलट और हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑफिसर HLO सिग्नल्स इट इज सेफ टू बोर्ड। अच्छा जी, ये पायलट तो समझ आ गया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑफिसर HLO कौन होता है? ये बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा सिग्नल मैन होता है जो एरोप्लेन्स को या आपके हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल्स दे रहा होता है कि आप लैंड कर लें या अभी लैंड ना करें। कई दफा पोजीशन का इशू आता है तो डायरेक्शंस देता है, तो वो जब तक आपको ऑफिसर ना कह दे कि सेफ है आप बोर्ड हो जाएं, आप आके बैठ सकते हैं या आप आए हैं तो अब आप उतर सकते हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी ये पायलट या हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑफिसर की हदायात के मुताबिक होंगी। ऑल पर्सनल शुड स्टे क्लियर ऑफ द टेल रोटर। टेल रोटर अब क्या है? अब जो आप जिसको पीछे वाला दुम वाला पंखा बोलते हैं वो बेसिकली टेल रोटर है। आपका ये रोटर ब्लेड है जो ऊपर लगे हुए पर, ठीक है, वो टेल रोटर। ये नहीं होना कि इससे बच जाएं, आप जाके टेल रोटर के पास चले जाएं तो वहां से एयर प्रेशर वैसे या कोई ऐसा हो कि रेनकोट या कोई भी आपकी इक्विपमेंट कोई भी चीज जाके उसमें जाए और वो किसी हादसे का सबब बन जाए। स्मोकिंग शुड नॉट बी परमिटेड इन और अराउंड द एयरक्राफ्ट एट एनी टाइम। अंडरस्टूड बात है जी, क्योंकि वो डीजल के ऊपर होता है और डीजल भी ऐसा जो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो ऐसी सूरत में स्मोकिंग अलाउड नहीं होगी। प्रायर टू टेक ऑफ ईच पर्सन शुड आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द क्लोजेस्ट इमरजेंसी एग्जिस्ट इन इन्फ्लेटेबल लिफ्ट लाइफ राफ्ट एंड अदर इमरजेंसी इक्विपमेंट। मतलब ये है कि टेक ऑफ से पहले हर बंदे को पता हो कि कौन सी लोकेशन पे इमरजेंसी एग्जिट है, कहाँ से हमने भागना है, वहां पे कौन सी लाइफ राफ्ट जो जैकेट्स हैं या पैराशूट्स वगैरह हैं या इमरजेंसी इक्विपमेंट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको हर चीज की समझ हो। क्योंकि उसका सफर में भी ऐसा होता है, घंटे का हो 2 घंटे का हो तो हेलीकॉप्टर में खराबी आ सकती है, मौसम खराब हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, तो ऐसी सूरत में पहले से आप प्रिपेयर होंगे। द सीट बेल्ट शुड बी फास्टेंड एट ऑल टाइम ड्यूरिंग फ्लाइट। द सीट बेल्ट शुड नॉट बी अनफास्टेंड अंटिल इंस्ट्रक्टेड बाय द पायलट। सीट बेल्ट अंडरस्टूड है कि बांध के रखेंगे। सीट बेल्ट गाड़ी के लिए लाजमी है, तो हेलीकॉप्टर तो फिर हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर क्या आपका जब तक पायलट नहीं कहता आप सीट बेल्ट बांध ही रखेंगे। टेक ऑफ या लैंडिंग के दोनों सूरतों में जब तक पायलट की इंस्ट्रक्शन को आपने किसी सूरत भी डिनाई नहीं करना, या उसकी इंस्ट्रक्शन को आपने किसी भी सूरत ये नहीं समझना कि ये फजूल है या इस तरह, आपने हर बात में उसकी गाइडलाइन को प्रायोरिटी देनी है। डू नॉट थ्रो एनी मटेरियल फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाइल इन फ्लाइट। लॉन्ग आइटम्स टू बी कैरिड अब्रॉड हेलीकॉप्टर शुड बी कैरिड हॉरिजेंटल ऑन द हेली डेक कीपिंग क्लियर ऑफ द रोटर ब्लेड्स। अब ये देख लें, हॉरिजेंटल जो है वो यूजेज होगा उसका, कभी भी वर्टिकल नहीं होगा। आप हॉरिजेंटल लेके चीजें जाएंगे, अगर आप वर्टिकल लेके जाएंगे खड़ी चीजें जाएंगी तो रोटर ब्लेड उसका घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें लग गई तो कोई भी एक्सीडेंट विद इन सेकेंड्स होने के चांसेस हैं। इनफ्लेमेबल लाइफ जैकेट्स, इनफ्लेटेबल लाइफ जैकेट्स इमर्शन सूट्स वेयर रिक्वायर्ड शुड बी वॉर्न ड्यूरिंग ऑल अवर वाटर फ्लाइट। के पानी के ऊपर से गुजरते हुए जब आपको पता है कोई भी इशू हो सकता है, तो लाइफ जैकेट्स इन्फ्लेटेबल के जो आपको ऐसी जैकेट जो आपको डूबने नहीं देंगी, आप अगर गिरते हैं आपको छलांग लगानी पड़ती है तो वो जैकेट्स आपको ये मदद देंगी कि अगर आप पानी में गिरते हैं तो वो आपको पानी के ऊपर ही रखेंगी, पानी में डूबने नहीं देंगी। तो कोई भी ऐसी फ्लाइट जो पानी के ऊपर से हो रही है तो उस सूरत में आपने वो पहन के रखनी है हर सूरत। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी रिपोर्टेड टू द पायलट। अगेन जी, यहाँ पे पायलट ही सब कुछ है, आपको रिपोर्ट करना है, पायलट है, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं जाके या बेस पे रिपोर्ट करूंगा या मैं जाके रिपोर्ट करूंगा वापस जिस बेस से उड़े हैं, मतलब जिस कैंप से उड़े हैं और इधर वर्क प्लेस पे आ रहे थे, तो ऐसी फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आपने जो रिपोर्टिंग है वो हर सूरत पायलट को ही करनी है। डेजिनेटेड रिग पर्सनल शुड सिग्नल और कम्युनिकेट विद एन अप्रोचिंग हेलीकॉप्टर इफ अ हैजियस कंडीशन सच एज फेयर गैस फ्यूम्स और क्रेन बूम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेली डेक एग्जिट।
अच्छा जी, अब डेजिनेटेड रिग पर्सनल जो होगा ना वहां पे, और इवन कई दफा ये जो आपका HLO होगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑफिसर वगैरह, ये वहां से उसको फौरन सिग्नल दे देगा, कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर सिग्नल से कि भाई हैजार्डस कंडीशन है, अब हेली डेक पे या हेलीपैड पे तुमने लैंड नहीं करना, जब तक कि वो हाउसकीपिंग से या सुपरविजन से या कोई भी इंटरिम कंट्रोल अप्लाई करके उस जगह को क्लियर नहीं कर लिया जाता, तब तक लैंडिंग की इजाजत नहीं होगी। इन एन एमरजेंसी सिचुएशन पैसेंजर्स शुड रिमेन इन देयर सीट्स विद सीट बेल्ट फास्टन, नेवर अटेम्प्ट टू जंप आउट ऑफ द हेलीकॉप्टर आर इन्फ्लेट द पैड इन साइड द केबन। तो जंप नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर से, या जी जो आपके पास पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइसेस वगैरह हैं तो वो केबन में आप लेके नहीं बाहर के घुस जाएंगे, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी। सिर्फ क्या करना है, फॉलो द पायलट्स इंस्ट्रक्शन, जो पायलट हदायत उस लम्हे भी जारी कर रहा है उनके ऊपर आपने कान धरना है। नेक्स्ट जी, क्रेन्स डेट आर नियर द हेली डेक शुड नॉट बी इन ऑपरेशन व्हेन हेलीकॉप्टर लैंडिंग आर टेकिंग ऑफ, अंडरस्टूड है जी। कोई भी क्रेन वहां पे काम कर रही है तो उनको रोक दिया जाएगा, कब तक, जब तक कि लैंडिंग या टेकिंग ऑफ ऑपरेशन प्रॉपरली ना हो जाए। व्हाइल द हेलीकॉप्टर सर्कल द क्रेन शुड बी शट डाउन एंड द क्रेन ऑपरेटर शुड स्टेप आउटसाइड द कैब वेयर द पायलट कैन सी हिम। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर क्रेन जितनी भी काम कर रही होंगी, जब हेलीकॉप्टर वहां पे सर्कल वगैरह चक्कर काटता है लैंडिंग से पहले, तो ऐसी सूरत में वो क्रेन से निकल आएगा ताकि उसको पायलट देख ले कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, ताकि वो इजीली वहां पे उतर सके। हियरिंग प्रोटेक्शन शुड बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स व्हाइल इन हेलीकॉप्टर, आपने देखा होगा ईयर मफ हेडफोन की तरह के यूज किए जाते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, उनको ईयर मफ या ईयर डिफेंडर्स बोलते हैं, वो लाजमन आपने पहने रखने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नॉइज लेवल होगा ग्रेटर देन 100 डेसीबेल होगा, और आपको पता है नॉर्मल 85 डेसीबेल जो है, एक नॉर्मल बहुत हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो 85 डेसीबेल साउंड की है, नॉइज की है, जो काबिले बर्दाश्त है, उससे ऊपर जो भी होगा वो आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट जी, देयर इज बी नो हॉर्स प्ले वाइल इन हेलीकॉप्टर, विंडोज ऑन सम मॉडल्स आर एमरजेंसी एग्जिट एंड रिक्वायर वेरी लिटल प्रेशर टू पुश देम आउट। मतलब आपने कोई वहां पे छेड़खानी या खेल कूद नहीं शुरू कर देनी हेलीकॉप्टर के अंदर, बड़े आपने मोहतात तरीके से, मुहज़ब तरीके से बैठना है, क्योंकि कई दफा हल्का सा भी, कई विंडोज ऐसी होती हैं हल्का सा भी उनको पुश किया गया तो वो इमरजेंसी आपके ग्लास होते हैं तो वो टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में कोई और एक्सीडेंट हो जाना है हेलीकॉप्टर को। अप्रोच हेलीकॉप्टर इन अ क्रॉच पोजिशन फ्रॉम एज द साइड आर डायरेक्टेड बाय द HLO, दिस पायलट। तो अब वहां पे गाइड नहीं करेगा हेलीकॉप्टर, लैंडिंग ऑफिसर जिस सब आएगा उसी तरह से आपने हेलीकॉप्टर की तरफ जाना है या हेलीकॉप्टर से उतर के आना है। समटाइम्स मेन रोटर ब्लेड्स कैन डिप बिलो 6 फीट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द हेलीकॉप्टर, स्पेशली इन हाई विंड्स। हाई विंड्स में आप देखें क्या है, 6 फीट तक वो डिप कर जाता है जो उसके रोटर ब्लेड्स हैं, तो ऐसी सूरत में आपने बहुत ही एहतियात करनी है कि नीचे बिल्कुल होके गुजरना है, ताकि किसी भी सूरत आप रोटर ब्लेड से या आपके पहने हुए क्लॉथिंग में से कोई चीज उन रोटर ब्लेड से ना टकरा जाए। द पायलट कैन एंड विल रिफ्यूज बोर्डिंग प्रिविलेजेस टू एनी वन सस्पेक्ट ऑफ बींग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग। पायलट के पास इख्तियार है वो बोर्डिंग ही ना दे उस बंदे को जिस पे उसको शक हो गया कि नशे में है। ठीक है, क्योंकि वो ड्रामा लगाएगा हेलीकॉप्टर में या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हेलीकॉप्टर में या आगे जाके रिग के ऊपर। दिस पर्सन शुड देन बी रेफर टू द कंपनी ऑफिशियल्स फॉर फर्दर एक्शन, वो फिर ऑफिशियल्स को भेज देंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपर जो प्रॉपर तरीका है। तो ये हमने डिस्कस किया हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बहुत जल्द बोट ट्रांसपोर्टेशन में के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले, जाने से पहले आज आप लोग एक काम कर लीजिए, कहने को हर YouTube पे चैनल वाले ये बात कहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लर्नर्स जो बिल्कुल साथ फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, उनको इश्यू ये है कि डिफरेंट सीरीज चलने की वजह से वो अक्सर पूछ रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, कि जी इसका अगला टॉपिक क्या है, ये लेक्चर, अगला लेक्चर कहाँ पे है। तो इस सूरत से बचने के लिए, इस मसले से बचने के लिए आप ऐसे कीजिए कि काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वो जो नोटिफिकेशन का बटन है वो आपने डबल बेल वाला लाजमी क्लिक करना है। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा आपके पास, तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये
ये वाला आपका कोर्स, ये वाला इसका टॉपिक अपलोड हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगले लेक्चर बोर्ड ट्रांसपोर्टेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।